अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नाजम अली है और आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट नाजम के साथ पाकिस्तान प्रॉपर्टी एडवाइज़र के प्लेटफॉर्म से। और आज हम बात करेंगे DHA वाले के हवाले से। और DHA वाले की इंतज़ामिया ने ये ऐलान किया है कि दो बैटिंग करने जा रहे हैं। एक बैटिंग तो फरवरी में होगी और दूसरी बैटिंग होगी ये शायद ये मार्च तक, इसको पोस्टपोन किया जा सकता है। और जो इस बार जो फरवरी में जो बैटिंग होने जा रही है उसके हवाले से मैं आपको थोड़ी सी चंद बातें आपको बताना चाहता हूँ। इसमें यह है कि उनका जो इस बैटिंग में जो फरवरी में करने जा रहे हैं उनमें तो उन्होंने ये जो फाइल्स को शामिल करना है वो थ्रू और ज़ीरो वाली फाइल को शामिल करना है। थ्रू और ज़ीरो वाली फाइल से मुराद के वो भी फाइल्स हैं जिनको जो फर्स्ट अलाटी है, यानी कि वो जो फर्स्ट अलाटी है उन्होंने फाइल्स को क्या नाम है ओपन नहीं करवाया और अपनी इंस्टॉलमेंट देते रहे हैं और उन्होंने क्लियर करवाया, उसको ये बैटिंग में शामिल किए जाने के इम्कान नज़र आ रहे हैं। और जहाँ तक जो मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र DHA वैली का रेट बहुत ही नीचे आ चुका है। ऑन बैलेंस जो फाइलें हैं वो तकरीबन 16-17 जो थ्रू और ज़ीरो 16-17-18 ठीक है 18 से 20-21 तक भी ये फाइल्स सेल आउट हो रही हैं। और जिसमें ये बेल्टिंग वाली हैं फर्स्ट बैल सेकंड बैल थर्ड बैल फोर्थ बैल्ट वाली ये इनके रेट थोड़े से ऊपर है। और बैरी और DHA भी अभी रेट काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं, मार्केट 30% 40% तक रेट नीचे आए हैं। ये आप बैरी फेज 8 का के सेक्टर ले लें, एल सेक्टर ले लें, एक एक 20 वाला प्लाट आ गया, एक पे आ गया, 90 पे आ गया, 95 पे आ गया, फिर भी वो मार्केट में परचेज नहीं है, लोग पैसे निकाल नहीं रहे। और अभी जो लोग ज़्यादातर इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि जो परचेजिंग कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर मतलब जो परचेजिंग कर रहे हैं हमारे पास जो आते हैं, हम भी उनको यही मशवरा देते हैं या आपने कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप फलां जगह इन्वेस्ट करें, फलां फाइल ले लें, फलां क्या फ्लैट ले लें। और ज़्यादातर तो मैं अपने जो इन्वेस्टर हैं या करो क्लाइंट हैं मैं इनको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप ये फ्लैट देख लें, क्योंकि आपको पता ही है फ्लैट के रेट ये बहुत ही कम नीचे आए हैं। अभी स्क्वेयर कमर्शियल में जैसे देख लें 2-बेड फर्निश फ्लैट जो आपको मिल जाएगा, नॉर्मल से नॉर्मल भी आपको 45 से 40-45-50 तक फर्निश फ्लैट जो है 2-बेड का वो मिल जाएगा। और इसके अलावा आप अगर ये इन्वेस्ट करते हैं फर्निश फ्लैट को, आपको पता ही है 60,000-70,000-80,000 का रेंट आउट हो जाता है। और फर्निश फ्लैटों की जो है ना मार्केट में रेंट वाली वैल्यू भी अच्छी है और मार्केट में डिमांड भी है। और आजकल तो मार्केट वैसे भी एक्सटेंशन 5 मरला एक्सटेंशन जो 4 की है वो 25-26 तक 5 मरले की एक्सटेंशन आई है, लेकिन रेट 40% 50% आई थिंक ये रेट ओवरऑल मार्केट के नीचे आए हुए हैं। और जैसे आप DHA कोटा का ले लें DHA कोटा, उसका ओपन एफिडेविट है जो है तकरीबन 1.5 करोड़ तक गया हुआ था और एलोकेशन का भी रेट है कोई 2-4 लाख 5 लाख का डिफरेंस था एफिडेविट के हवाले से। और अभी जो उनकी सिचुएशन चल रही है, यानी कि कोटा की एफिडेविट की जो सिचुएशन है, जो आज की मार्केट जो रेट चल रहा है तकरीबन 50-51 तक ये रेट चल रहा है, तो अभी जो करंट सिचुएशन है ना मार्केट की, ठीक है, इन्वेस्टर के लिए तो वो बहुत ही अच्छी सिचुएशन है, यानी कि अभी रेट बहुत ज़्यादा नीचे आए हुए हैं, ठीक है। जो इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं तो अभी वो परचेजिंग कर सकता है, यानी कि मैं तो अपने क्लाइंट को यही कहता हूँ कि आप यानी कि राइट टाइम जो परचेजिंग का है
ठीक है, वो करंट सिचुएशन में है, ठीक है। और कभी लास्ट टाइम मैंने अपने जो क्लाइंट थे उनको DHA वैली में उनका इंटरेस्ट जो है ना उनको बढ़ाया है DHA वैली की तरफ, और उनके साथ कुछ मीटिंग्स भी हुई है, उनके साथ शेयर भी किया है। और अभी जो DHA वैली का जो फाइल्स हैं, नॉन बैलेट जो हैं, बैलेट फाइल जो है, अभी वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रही हैं, इनके रेट थोड़े से अप हो रहे हैं, ठीक है। और इस हवाले से अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अभी भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, हमारी टीम से आप मशवरा कर सकते हैं। यानी कि आपको, यानी कि हमारा मकसद ये है कि अभी इस टाइम में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट की तरफ से हमारे पास आते हैं जी, हमारी इन्वेस्टमेंट करा लें, वेरी एम्प्लॉयड ले लें, यानी कि आप हमारी इन्वेस्टमेंट ले लें, आप प्लाट खरीदें उसको एक मंथ बाद, यानी कि विदन मंथ आप इसको सेल कर दें और हमें प्रॉफिट चाहिए। तो अभी प्रॉफिट उनको किधर से मिलेगा, अभी मार्केट की सिचुएशन आप देख रहे हैं, यानी कि कोई फ्लैट, अभी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1 करोड़ तक प्लाट उठाया था, 1 करोड़ 20 में 30 पे, अभी लास्ट टाइम ये एम ब्लॉक का भी और के सेक्टर का भी नॉन स्टेटिक प्लाट था जो अभी 45 में उठाया था, 50 में उठाया था, अभी मार्केट में जो हमने सेल किया तकरीबन 38-39 में ये सेल किया है। तो अभी हम जो हमारे जो कस्टमर हैं, हमारे क्लाइंट जो हैं, हम उनको एक अभी इस वक्त भी ऐसे उनको इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करवाते हैं जिधर से उनको मंथली रेंट तकरीबन 60-70 हज़ार रुपये मंथली रेंट वो ले रहे हैं। यानी कि आप 55-60 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं अभी करंट में भी रेंट का, अब रेंट वोट हो जाता है, ठीक है, 70-80 हज़ार उनको मंथली रेंट मिलता है, यानी कि ऑन रोड। ये नहीं है कि हम किसी प्लाजे में या किसी हाई राइज में इन्वेस्ट कराते हैं, मैं तो हाई राइज में प्लाजो में ये इन्वेस्ट करने के हक में नहीं हूँ, ना ही मैं किसी क्लाइंट को इसका रिकमेंड करता हूँ कि आप हाई राइज में इन्वेस्ट करें और यहाँ मर्जिंग करवाएं। इसमें ये होता है कि हाई राइज वाले जो होते हैं ना, ये क्लाइंट को बहुत ही ख़राब करते हैं, और हम अपने क्लाइंट को कभी ख़राब नहीं करते, ठीक है। हम वो क्लाइंट जब हमें पैसे देता है तो हम कोशिश करते हैं कि यार उसके नाम पे कोई चीज़ है उसको हम डिलीवर कर दें, तो इसलिए हम उनको इन्वेस्ट जो है ना, उनकी इन्वेस्टमेंट वो हम प्लाट्स में की बजाय, ठीक है, अगर वो हम देखते हैं तो प्लाट्स कम रेट में आ रहे हैं, कोई क्लाइंट आगे क्या नाम है एंड यूज़र भी है, तो फिर हम इन्वेस्ट करके तो 2-4 लाख रुपये ऊपर नीचे करके हम आगे सेल ऑन कर रहे हैं। इसलिए हम इन्वेस्टर को भी, हमारा इन्वेस्टर भी खुश हो जाता है, हम भी खुश हो जाते हैं, क्लाइंट भी खुश हो जाता है। तो मैं ज़्यादा जो है ना अपने क्लाइंट को जो है ना फ्लैट से दे रहा हूँ, ठीक है, फेस टाइम के कमर्शियल में है, मिड में कमर्शियल में भी है, यानी कि हर किस्म के, यानी कि आप देखें कि अभी फेस 8 में जो शॉप्स हैं उसके रेट बहुत नीचे आ गए, ठीक है, तो 2-3 इन्वेस्टरों को मैंने वो शॉप दी है, ठीक है, अभी अभी मार्केट में रेट नीचे है, ठीक है, और विदन 2 मंथ या 3 मंथ के बाद थोड़ा सा बूम तो आ ही गया, इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद बूम फिर आ जाएगा, तो उसके बदले में वो मंथली रेंट ले रहे हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट भी स्क्योर हो गई है, मंथली रेंट भी आ रहा है, ठीक है। और अभी स्क्वेयर कमर्शियल में जो फ्लैट्स आप देख लें, स्पेरगल में देख लें, रेड में देख लें, मिनी कमर्शियल में देख लें, मिड वे कमर्शियल में देख लें, हाइट्स में देख लें, वेरी हाइट्स में देख लें, फ्लैट जो है, फ्लैट में जो इन्वेस्टमेंट है वो आज के दौर में जो है ना, आज के टाइम में, यानी कि जब मार्केट के रेट 40% नीचे आ गए हैं, तो मैं वही रिकमेंड करता हूँ कि आप फ्लैट ले लें, बेशक हमसे ना लें, आप खुद ही देख लें, किसी और डीलर से ले लें, ये नहीं कह रहा कि आप हमसे ही लें, हमारे पास आए हमसे लें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप फ्लैट देखें, फ्लैट्स को लें, इन्वेस्टमेंट करें, आप फ्लैट अपने नाम पर करवाएं, ठीक है, जब तक वो देख रहे मंथली रेंट वो आपको देगा, कम से कम भी आप नॉर्मल फ्लैट भी लेंगे ना, फर्निश या नॉन फर्निश, फर्निश का रेंट ज़्यादा होता है, नॉन फर्निश का कम होता है, आप नॉर्मल भी लेंगे आपको 30-40 हज़ार रुपये नॉर्मल का रेंट आ जाएगा, और फर्निश लेंगे आपको 60-70-80 हज़ार
लाख तक भी रेंट आ जाएगा। ये तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और अगर आप फ्लैट ले रहे हैं अभी भी हमारे साथ लोग काम कर रहे हैं। जब फॉर एग्जांपल हमने लास्ट टाइम एक फ्लैट परचेज किया था, ये आई थिंक ये 48 में किया था, और हमने क्लाइंट को सेल करके दिए 43 पर। ठीक है, अभी तो 15 दिन के अंदर अंदर हमने वो आगे सेल कर दिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी जो इन्वेस्टमेंट आपने करनी है वो फ्लैट्स में करें, या DHA वैली की फाइल नॉन पैड वो ले लें, वो आप ले के रखें तो वो आगे सेल करें। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमारे ऑफिस विजिट करें, या आपके स्क्रीन पर नंबर भी चल रहा होगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, नंबर का लिंक होगा, तो आप हमारे साथ रब्ता करें। ठीक है, हम आपकी इन्वेस्टमेंट उधर लगाएंगे कि जिधर आपको बेनिफिट मिले। ठीक है, आपको यहाँ हाथ में चीज़ आई, यानी कि आपको आपने पैसे दिए हैं, आपने 60-70 लाख रुपए दिए कि भाई ये इन्वेस्टमेंट है, ये चीज़ ले, हमने आपको चीज़ डिलीवर करनी है कि भाई ये आपके पैसे हैं, ये आपका फ्लैट है, ये आपकी शॉप है, ये आप अपने नाम पे करवाएं, आपका रेंट आउट करवा के देंगे, आगे सेल भी हम करेंगे। ठीक है, यानी कि हमने आपको सिक्योर करना है। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि क्लाइंट जो हमारे पास आ रहा है, पैसे दे रहा है, वो तो कहते हैं ना जापानीज में हमें कहावत है कस्टमर इज़ अ गार्ड। ठीक है, तो हमने अपने क्लाइंट को खुश करना है। ठीक है, और हमने कोशिश, हमारी कोशिश ज़्यादा यही होती है कि हम अपने क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दें और उसको कुछ डिलीवर करें। और मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे ऑफिस पाकिस्तान प्रॉपर्टी के ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। मेरे ऑफिस 7 स्क्वेयर कमर्शन में हमारा ऑफिस है, 25 नंबर प्लाजे के बेसमेंट में हमारा ऑफिस है, तो आप एनी टाइम विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और हमारी टीम से आप तो मशवरा कर लेते हैं, बेशक आपने परचेज करना ना करें, यानी कि आपको आइडिया होना चाहिए ना मार्केट सिचुएशन का, कि मार्केट में आजकल कौन सी चीज़ ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रही है, सेलिंग परचेज किस चीज़ की हो रही है, उस हिसाब से आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि आप हमसे मशवरा कर लें, जिधर भी आप जो चीज़ पसंद आती है, बेशक आप किसी और से खरीद रहे हैं या डायरेक्ट जा खरीद लें, हमें कोई इशू नहीं, आप ऑफिस विजिट करें, आप कॉल कर सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं कि हमने इसमें पैसे हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही होगी, यानी कि जो हम अपने लिए पसंद करते हैं, हम अपने क्लाइंट के लिए वही पसंद करते हैं। ठीक है, तो आप एनी टाइम ऑफिस पर विजिट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, तो आपको इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर ऑप्शन देंगे। और तक के लिए इतना ही, अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने जो दोस्त अहबाब हैं, ठीक है, अगर वो प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या किसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, उनको आप बता सकते हैं कि भाई इस तरह की इन्वेस्टमेंट है, इस तरह करनी है, तो इस लिहाज से, यानी कि आप देख लें, जो कई लोग होते हैं उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट जो पैसे जो होते हैं वो बहुत मुश्किल से इकट्ठे, यानी कि अपनी ज़मीन बेफरोत की होती है, यानी कौन से शहर आए होते हैं देहातों से, अक्सर वो कश्मीर से, ठीक है, लकी मरवत से, पंजाब से, ठीक है, लोग इधर आते हैं शक्कर से, बकर से, ठीक है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उन भाइयों की जो इन्वेस्टमेंट है और उसको अच्छी जगह इस्तेमाल करें, अच्छी चीज़ उनको ले कर दें और उनको बेनिफिट दें। और अल्लाह की मेहरबानी से हमारे साथ बहुत ही अच्छे अच्छे क्लाइंट जिनको अपने बेनिफिट दिया है, तो वो हमारे साथ अब तक चल रहे हैं। अभी बाज़ अवकात उनकी कॉल आती है कि हमने ये इन्वेस्टमेंट करनी है, हमारे रिश्तेदार है फलां फलां फलां, तो बस चलें, वीडियो तो लंबी हो जाएगी, काफ़ी बातें करने वाली हैं, तो अगर आप इस